अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कोई काम था आपको? मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। अरे ये गर्मा गर्म हलीम बनाया था आज मैंने, सोचा कि तुम्हें दे दूं, वरना तुम ऑफिस चली जाओगी। खाला बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हलीम खाती नहीं, और कोई दूसरा है भी नहीं इस घर में जैसे ही तुम। बेटा खाकर तो देखो, बहुत ही मजेदार हलीम है। मेरे पूरे खानदान में मशहूर है मेरा हलीम। मैं खाती नहीं हूँ खाला, बताया ना मैंने आपको। कोई बात नहीं बेटा, अपने उस रिश्तेदार को खिला देना जिससे तुम कल खड़ी हुई बातें कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नौजवान था, कौन था वो? मैंने बताया तो था आपको, मेरे कजन है, खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं, याद नहीं रहा आपको? हाँ हाँ, और तुमने उसे बाहर से ही वापस भेज दिया? जल्दी में थे तो आप दे दे मुझे, दे दे। अम्मू आएंगी तो मैं उनको खिला दूंगी, बॉक्स लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, बॉक्स तुम रहने दो, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, अल्लाह हाफिज। कब आ रहे हैं नदीम के घर वाले? इसी वीक। बेटा वीक में 7 दिन होते, कोई एक दिन कंफर्म करो ताकि मैं अगले दिन उनके साथ डिनर प्लान करूं। हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत तो नहीं है वैसे फारूक, पहले आने दो उसके पेरेंट्स को, उसके बाद हम लंच या डिनर प्लान कर लेंगे। ना तुम्हारी बेटी नहीं, इसलिए तुम नहीं समझोगे। मैं चाहता हूँ कि उनसे मुलाकात करके सारे मामला तय करूं और फिर एंगेजमेंट प्लान करें। वैसे मामा बात तो ठीक कर रहे हैं, वैसे भी अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, तुम लोग सारे सही हो और मैं हमेशा सही गलत है ना आंटी? प्लीज थैंक यू। मैं देखती, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना ओवरएक्ट कर रही है? खैर अदान क्लब जाकर जरा नदीम के बारे में मालूमात लो। जी मैं नाश्ते के बाद प्रेस क्लब चले जाऊंगा, वहां पे मीटिंग है, तुम ऑफिस चले जाओ। ठीक है। वो मैं अनुषा के पास जाना चाह रही थी। हाँ तो चले जाओ, और ड्राइवर है घर तक। कल आऊंगी मैं वापस। वो एक्चुअली घर काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि अनुषा के साथ मिलके थोड़ा घर समेट लूं। वो बच्ची थोड़ी है, कर लेगी खुद ही, अकेले रहने की हिम्मत है, बाकी मामला भी खुद ही देख लेगी, ऐसा क्या? ठीक है मैम, आ जाऊंगी।